भगवान एक चीज़ बनाता है और उसमें मतलब हजारों करोड़ों बनते हैं लोग, उसमें एक चीज़ ऐसी बनाता है भगवान, जैसे वो उसको आशीर्वाद दे के भेजता है कि तेरे जैसा और कोई नहीं होगा, शायद मैं उसमें से हूँ एक। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आज है 7 फरवरी, आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो काफी शानदार यहाँ पर रहने वाला है। दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में आज का ये डिस्कशन मैं कवर करूंगा, और अगर ट्विटर पर भी आप लोग जाकर देखोगे तो ये दोनों अभी भी कल से ट्रेंड कर रही है पहले और दूसरे नंबर पर। पहली जो यहाँ पर एक घटना देखने को मिली देश में, तो एक दुखद घटना है, लता मंगेशकर जी जो हमारे बीच में अब नहीं रही, तो इनके बारे में मैं आप लोगों से जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कुछ ऐसी जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, पर लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि देश की बेटी जो है वो अब नहीं रही। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यार पर्टिकुलर पर्सन ना एक ऐसी चीज के साथ में पैदा हुआ कि उसकी वजह से यहां पर उसको जाना जाए पूरी दुनिया में, इनकी जो वॉइस थी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि भले ही जिन्होंने इनका फेस नहीं देखा होगा पर लेकिन इनकी वॉइस जो है वो हर एक इंसान ने सुनी होगी। तो अपनी वॉइस से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देने वाली एक महान पर्सनैलिटी, एक तरीके से महान पर्सनैलिटी का मतलब आप लोग ये समझ सकते हैं कि एक तरीके से लिविंग लेजेंड, कि हाँ इनके नाम पर पुरस्कार है जबकि ये जीवित है, जीवित थी मतलब, समझ रहे हो आप लोग। तो इसने लेवल पर जाकर अपने काम के लिए डेडिकेशन दिखाना, जिस भी लैंग्वेज में गाना गाना है, चीजें सीखनी है, तो कभी भी ये पीछे नहीं हटी। इसलिए यहां पर आज के दिन में हम पूरी दुनिया जो है वो इनको सैल्यूट कर रही है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, हर एक इंसान ने यहां पर इनकी जो अभी रिसेंटली जो लाइफ कंप्लीट हुए उसके ऊपर दुख व्यक्त किया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कैसी महान पर्सनैलिटी थी यहां पर लता जी। और इसी के साथ में अगर अवार्ड के बारे में बात करें तो जो भी हाईएस्ट अवार्ड है देश के अंदर वो सारे इनको मिले हुए थे, जैसे नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिला हुआ था, पद्म भूषण इनको मिला हुआ था, पद्म विभूषण मिला हुआ था, इवन भारत रत्न मिला हुआ था। और भारत रत्न जो है वो मुझे लगता है कि ऐसे ही लोगों के लिए बना हुआ है रियलिटी में यार, जिन्होंने अपनी पूरी जो लाइफ है अपने काम के लिए डेडिकेटेड कर दी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने एक सॉन्ग भी आप लोगों को सुनाया था कल जो मैंने अपलोड की थी, हालांकि उसमें मैंने 2-3 सॉन्ग आप लोगों को सुनाए थे। तो उसमें एक सॉन्ग यहाँ पर यह था कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि इनकी वॉइस जो है, इनकी एज हो गई 92, पर लेकिन इनकी जो वॉइस है वो कभी भी एक ऐसा नहीं लगा कि एक ऐसी है कि एक बुजुर्ग महिला है उनकी वॉइस है। तो ये कहते हैं नेचुरलिटी। और जो एक छोटा सा इंटरव्यू की क्लिप जो मैंने आप लोगों को यहां पर सुनाई थी, उस इंटरव्यू को अगर आप लोग सुनेंगे, और आज की वीडियो की स्टार्टिंग में भी आप लोगों ने सुना होगा वही सेम जो छोटा सा एक क्लिप मैंने डाला है, तो उसमें यहां पर यही बात इनके द्वारा बोली गई कि हर एक इंसान जो है एक स्पेशलिटी के साथ में पैदा होता है, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं जिंदगी में कभी भी अपने आप को कैसे भी आप लोगों को कमजोर नहीं आकना है, तो हमेशा अपनी जिंदगी को सही डायरेक्शन में लेकर चलने की कोशिश आप लोगों को करनी है, ठीक है। दूसरी जो यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर है, ये बायकॉट हुंडई, आखिर ये ऐसा क्या हो गया यहां पर देश के अंदर में, तो इसी के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए आज का ये थंबनेल यहां पर लगाया है। यहां पर जो पाकिस्तान के अंदर जो हुंडई है और हमारे देश के अंदर जो हुंडई है वो काफी एक तरीके से लार्ज स्केल पर आज के डेट में कार बेचने वाली कंपनी है, पर लेकिन पाकिस्तान के कंपेयर में अगर अपने देश में आप लोग देखोगे काफी ह्यूज डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने ट्विटर पर शेयर भी किया था कि हमारी कंट्री में 5 लाख से भी ज्यादा गाड़ी बेची जाती है हुंडई के द्वारा, और यहां पर लगभग 8,000 या फिर 8 से 9,000 के करीब यहां पर पाकिस्तान में गाड़ियां बेची जाती है, तो उसके बाद भी यहां पर ऐसा कमेंट कर देना तो ये अपने आप में ही काफी एक तरीके से बड़ी बात थी। यहां पर था क्या बेसिकली, अभी यहां पर पाकिस्तान के अंदर डे सेलिब्रेट किया जाता है कश्मीर को लेकर, तो उसी के चलते हुंडई के द्वारा यहां पर ये पर्टिकुलर कमेंट शेयर किया गया, ये हुंडई पाकिस्तान और यहां पर हुंडई पाकिस्तान ऑफिसर, इनके द्वारा फेसबुक पर भी और यहां पर ट्विटर पर भी ये शेयर किया गया। तो जैसे इनके द्वारा यहां पर शेयर किया गया कि कश्मीर सोलिडेरिटी डे तो 5 फरवरी को, तो तुरंत यहां पर इंडिया के अंदर हुंडई का जो है वो यहां पर एक तरीके से बहिष्कार होना स्टार्ट हो गया, और ये रियलिटी में यार बनता भी है अगर आप लोग इस चीज को समझो तो। यहां पर एक तरीके से कहीं ना कहीं ये जो ये लगता है कि यहां पर एक ये तो गलती हुई है या फिर मतलब एक तरीके से सोची समझी साजिश आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो रियलिटी में अगर देखा जाए तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो खासकर एक ऐसी प्रोफेशनल कंपनी जो कि साउथ कोरिया से निकल कर आती है ये चीजें शोभा नहीं देते हैं, पर लेकिन हमारे देश में जिस तरीके से यहां पर रिएक्शन आया वो लाजमी था यहां पर, और बनता भी यार ये रिएक्शन अगर हमारे देश के बारे में कोई इस तरीके से बातें रखेगा सामने तो ये लाजमी है, और काफी लंबे समय तक यहां पर ये अपडेटेड रहा, इसको हटाया भी नहीं गया, तो ये काफी बड़ा इशू यहां पर देखने को मिला। आप लोग क्या राय है इसके बारे में, यहां पर ये इनके द्वारा जो हरकतें की गई है वो आप लोग क्या इसके बारे में कुछ लिखना चाहेंगे, गाली गलोच नहीं लिखना, मतलब अगर क्रिटिसाइज करना हो आप लोगों को एक समझे एक समझदार और पढ़े लिखे इंसान के तरीके से तो कैसे आप लोग इसको क्रिटिसाइज करोगे, आप लोग ये बताइए, देखता हूं कितने सभ्य शब्द आप लोग यूज कर सकते हैं।
तो इससे काफी एक तरीके से पता चलेगा कि अगर लिखने की प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं तो किस तरीके से आप लोग चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आज का जो डिस्कशन है वो काफी शानदार यहाँ पर रहने वाला है। स्टार्टिंग में एडिटोरियल देखेंगे और उसके बाद में हम लोग न्यूज एनालिसिस देखेंगे। तो पूरा डिस्कशन जो है यहाँ पर बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जब वीडियो के एंड में आप लोग जाओगे तो वोकैबुलरी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, किसके द्वारा शानदार तरीके से आंसर दिए गए वो आंसर भी हम लोग देखेंगे, इनके कौन है आज के एसएलवी कमांडो। और इसी के साथ में दो क्वेश्चन जो डेली मैं आप लोगों को देता हूँ वो भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा रेगुलरली आप लोगों को दो क्वेश्चन देता हूं मैं, अगर मंडे से लेकर फ्राइडे तक बात करें। बाकी अगर वीकेंड में आप लोग बात करेंगे, सैटरडे को आप लोगों को निमंत्रण दिया था आपकी बार भी लिखने के लिए, कई सारे बच्चों ने अच्छे से उसको प्रैक्टिस किया। और संडे में आप लोगों को एथिक्स की एक स्टेटमेंट देता हूं बेसिकली, यहां पर जो केस स्टडी रहती है वो भी कई सारे बच्चों के लिए अटेम्प्ट की गई, तो उसको आप लोग जरूर देखा करो, इससे आप लोग ढंग से चीजों को एंजॉय कर पाओगे। और आप लोग की जनवरी मंथ की जो करंट अफेयर है पूरी एक वीडियो के अंदर ये कंप्लीट कर दी है। आपकी बार थंबनेल थोड़ा सा चेंज है, ये 11 बजे जो है आप लोग की कंप्लीटली आप लोग को अपलोड मिलेगी, इसको आप लोग देखेगा पूरा रिवीजन शानदार तरीके से आप लोग कर पाएंगे और इसकी पीडीएफ भी मैं शाम तक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। और बाकी आंसर राइटिंग के लिए जो भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो अच्छे से आंसर राइटिंग करते रहिए, और ये सिलेबस वाली वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा अगर यूपीएससी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो नोट्स वगैरह है वो आप लोग को मिले जाते हैं, तो तीन ये टेलीग्राम ग्रुप है। ओके, एक यहाँ पर अगर बात करें आज के एडिटोरियल देखेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अच्छे से चीजें आप लोग तब समझ पाएंगे। ठीक है, कौन कौन से एडिटोरियल हैं एक बार उनके ऊपर नजर डालते हैं, और फिर न्यूज एनालिसिस भी काफी इंपोर्टेंट है जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट जो है वो करंट और स्टैटिक के साथ में आप लोगों का कवर होता है, तो उसको आप लोगों को अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो समझेंगे, ये पहले वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर अभी रिसेंटली एक केस देखने को मिला यहाँ पर कर्नाटका के अंदर में, जो उडुपी एरिया है यहाँ पर टाउन है, तो उसके चलते यहाँ पर ये निकलकर सामने है जिसमें हिजाब जो पहना जाता है मुस्लिम कम्युनिटी की जो लड़कियों के द्वारा, उसको पहने के साथ में स्कूल में अलाउ करने से मना कर दिया। तो आखिर क्या इशू है, राइट टू रिलीजन के बारे में समझेंगे, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, चीजें आप लोग काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इनके डिटेल में मैं आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहां पर बात की जा रही है हेल्थ आईडी कार्ड के सारे में, हेल्थ डेटा के साथ में क्या राइट टू प्राइवेसी को कैसे आप लोग लेकर चल सकते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है, तो समझेंगे इसके बारे में आखिर क्या मुद्दा देखने को मिल रहा है। ये साइड में जो आर्टिकल है यहां पर ये वाला, अभी क्या हुआ यहां पर एक पर्टिकुलर टेररिस्ट है जिनका नाम था यहां पर अबू इब्राहिम अल हाजमी अल कुरैशी, तो यहां पर उनकी डेथ हो गई। डेथ क्या होगी, सुसाइड कर ली उस इंसान ने, तो उसके चलते कई सारे आर्टिकल रिसेंटली अभी देखने को मिले, तो समझेंगे इसके बारे में आगे क्या इशू देखने को मिला और क्या आईएसआई जो है वो खत्म होता जा रहा है अगर इसको बोला जाए तो, आप लोग क्या रहे इसके बारे में तो भी आप लोग बताएगा यहां पर। ये साइड में जो आर्टिकल है ये सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन कैसे हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहा है, तो इस आर्टिकल के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे ताकि आप लोग सेंट्रल एशियन को कंट्री कौन कौन सी है उनको भी समझ सको और सही तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सको। अगर कुछ लिखने के लिए भी कल को आता है, मैं भी इस क्वेश्चन में बनता है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ सको, तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको समझने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये साइड में जो आर्टिकल है ये अनटचेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी कई सारे ऐसे इंसिडेंट कई जगह देखने को मिल जाते हैं जिसके चलते अभी छत्तीसगढ़ में भी एक इंसिडेंट यहाँ पर देखने को मिला कि मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर कुछ कमेंट किए गए, तो उसके चलते यहाँ पर अनटचेबिलिटी वाली जो फील आती है तो उसके बारे में कुछ बातें की जा रही है, तो समझेंगे कुछ संविधान के प्रोविजन के साथ में जिससे कि स्टैटिक पोर्शन इसके साथ में कनेक्ट कर आप लोग देख सको और अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर सको, तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। ओके, ये है डेटा पॉइंट, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा क्योंकि अभी जिन राज्य में इलेक्शन हो रहे हैं उन राज्य में अगर आप लोग वोट डालने जा रहे हैं तो याद रखिएगा यहां पर गोवा मणिपुर पंजाब उत्तर प्रदेश और इसी के साथ में बात की जा रही है उत्तराखंड की, तो यहां पर कंडीशन क्या देखने को मिल रही है, राज्य के द्वारा एक तरीके से क्या क्या खर्चा किया गया यहां पर, अगर पुलिस के बारे में बात करें, जेल के बारे में बात करें, मेडिकल के बारे में बात करें, जजेस के बारे में बात करें, तो कहीं ना कहीं जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो आप लोगों को अवेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा कैसा आप लोगों को अब तक का वहां पर जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा सपोर्ट देखने को मिला और उसके बेस पर आप लोग वहां पर अपनी वोट डाल सकते हैं, यानी कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप लोगों को वोट डालनी है, फिर पूरे 5 साल ये नहीं बोलना है कि यार गलत इंसान चुन लिया, स्टार्टिंग में अच्छे से आगे खोलो और उसके बाद में अपना काम करो और फिर चीजों को आगे लेकर चलो। तो अगर इन 5 राज्य में से आप लोग आते हैं तो ये डेटा पॉइंट आप लोग जरूर देखेगा, ये टेलीग्राम पर भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा जिसके साथ में आप लोग अच्छे से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, तो इसको देखने से आप लोगों को फायदा ये होगा कि आप लोगों को समझ पाएंगे कि अपने राज्य के अंदर में क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल रही है और क्या गवर्नमेंट ने रियलिटी में उस एरिया में काम किया है, अगर काम किया तो सैल्यूट है उसको अच्छे से भर भर कर वोट देना, और अगर काम नहीं किया तो ये सही टाइम होता है आप लोगों को उसको मजा सिखाने का, इसके बाद 5 साल तक कोई मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा, तो ये बातें यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है,
तो ये डेटा पॉइंट मुझे पर्सनली अच्छा लगा। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और या इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के राज्य के बारे में ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अच्छा, आप में से कितने ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर हैं जो इन पांच राज्य से आते हैं, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए यस, और जो नहीं आता है वो नो लिखना। इससे यहाँ पर ये पता चलेगा कितने सारे एसएलवी फैमिली मेंबर जो है वोट डालने जा रहे हैं, और कौन कौन वोट डालने जा रहा है वो भी यस लिख सकता है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये साइड में जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल जो है बेसिकली बात करें कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक के बारे में कई सारे आर्टिकल हो गए आज। आखिर दिक्कत क्या देखने को मिल रही है, टीचिंग जो प्रोफेशन है ना यार, उसको काफी गलत तरीके से देश के अंदर में कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रीट किया जाता है। अगर बात करें, कई सारे ऐसे टीचर हैं आज के में जो कि एक तरीके से नहीं, जो बोलते हैं कि बहुत ही एक पार्ट टाइम टाइप में जॉब करते हैं यहाँ पर, एक तरीके से कई बार एक नहीं ऐसा आप लोगों ने देखा हो, ट्यूटर के तौर पर जाते हैं और उनको 5-5, 10-10 हज़ार रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। पूरी 8 घंटे की जॉब होती है और 5-5, 10-10 हज़ार रुपए दिए जाते हैं। तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर, अगर कोई पार्ट टाइम जॉब करे एक बार को उसको बोलेगी 5 हज़ार रुपए दिया रहे हैं, 10 हज़ार रुपए दिया रहे हैं, तो समझ में आता है। पर लेकिन एक टीचर है यहाँ पर, उसको 5 हज़ार रुपए दिया रहे हैं, ठीक है, जो जाकर फिजिकली पढ़ाना है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये काफी एक बड़ी दयनीय कंडीशन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं एक तो एक्सपीरियंस इंसान, एक तरह से स्टार्टिंग में किसी ने काम स्टार्ट किया, चलो उसको 5 हज़ार रुपए दे दिए, ठीक है, हाँ स्टार्टिंग में वो सीख रहा है चीजों को, पर लेकिन अच्छे खासे एक्सपीरियंस टीचर को भी यहाँ पर ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो उनके द्वारा काफी ज्यादा प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर कंडीशन है, और बोला जा रहा है कि हमारी जॉब जो है वो सिक्योर करो, क्योंकि जॉब भी सिक्योर देखने को नहीं मिलती है। तो इसके चलते कई सारे इश्यू निकल कर आते हैं। मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था कि जब तक कंट्री में टीचिंग प्रोफेशन को रेस्पेक्ट देनी स्टार्ट नहीं की जाएगी, तब तक एजुकेशन सिस्टम को आप लोग इंप्रूव नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आप लोग लेकर आ जाओ। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो नींव है वो टीचिंग ही है। अगर टीचिंग की स्किल आप लोग नहीं इंप्रूव करोगे और इसी के साथ में टीचिंग को ढंग से सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करोगे, तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि जापान में जो टीचर है वो इतने शानदार तरीके से ट्रीट किए जाते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। तो वही कंडीशन जब तक हम लोग अपने देश में लेकर नहीं आएंगे, हम लोग ये सिचुएशन नहीं सुधार पाएंगे। ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर बात करें एपीजे अब्दुल कलाम सर जी की, किसी की भी आप लोग बात करिए, तो आप लोग देख पाएंगे कि टीचर ही एक तरीके से एक ऐसा इंसान है जो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम सर जैसे जो यहाँ पर हमारे कंट्री में जो महान पर्सनैलिटी बने उनको भी बनाता है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर हम लोग को काम करना ही करना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई, बेसिक चीजें थी कुछ। आई होप कि आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखेंगे, और कल को चलकर अगर कुछ भी इस तरीके की चीजें होती है, कहीं पर मौका मिलता है आप लोगों को चीजों को अप्रिशिएट करने का, तो उनको आप लोग जरूर अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। ये साइड में जो आर्टिकल है ये 5G के बारे में बात करें, बेसिकली उसको रोल आउट करने के बारे में बात की जा रही है 5G देश के अंदर में। तो एक्सपेक्ट जो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है उसको अभी बेचा जाएगा कंट्री में, तो किस तरीके से उसको बेसिकली बेचा जाएगा उसके बारे में बताया जा रहा है कि ताकि यहाँ पर जल्दी से जल्दी देश के अंदर 5G को इंप्लीमेंट किया जा सके, और 5G के आते ही देश के अंदर जॉब भी आप लोगों को इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी। तो यही कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस की जा रही है, बस यही कि इंप्लीमेंट करना है वो सब चीजें मुझे लगा कि आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, मतलब आर्टिकल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंपोर्टेंट आर्टिकल है, एक एक कर यहाँ पर अब नजर डालते हैं और उसके बाद में न्यूज एनालिसिस हम लोग देखेंगे। पर लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि आई होप कि आप लोगों को मोटिवेट भी करेगी यहाँ पर, यह है सुमित अवस्थी। सुमित अवस्थी के द्वारा यहाँ पर कमेंट में एक कमेंट शेयर किया गया जो मुझे पर्सनली मतलब हार्ट टचिंग लगा, ये पर्सनली आप लोग मतलब मैंने पढ़ा जब इसको अच्छा लगा। इनके द्वारा 2017 से फॉलो किया जा रहा है बेसिकली एसएलवी को, ठीक है, यानी कि एसएलवी फैमिली का पार्ट है 2017 से। इनके द्वारा 2017 में क्लैट की तैयारी करना स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो क्लैट का जो एग्जाम है इनका 2018 में क्लियर हो गया, फिर इनके द्वारा कंटिन्यू की गई स्टडी, यानी कि अपने आप को रोका नहीं, आगे फिर से कंटिन्यू करते रहे। फिर इनके द्वारा एयरफोर्स के लिए तैयारी की गई और 2019 में इनका एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। पर लेकिन अभी भी कंटिन्यूअसली यहां पर जो ये हैं ये वीडियो रेगुलर देख रहे हैं और अभी भी नेक्स्ट फेज के लिए यहां पर तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इंसान को ना कभी भी अपनी जिंदगी में रुकना नहीं चाहिए। मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि हमेशा सक्सेस में आप लोगों के कभी भी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कोमा होना चाहिए। अच्छा, ये अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया, ऐसे अगर जिंदगी में आप लोग चलोगे ना, हमेशा आप लोगों के पास में एक नया गोल होगा। और गोल कभी भी फिक्स नहीं होते यार, हाँ ये गोल है बस ये हो गया, नहीं, गोल हमेशा चेंज होते रहते हैं। एक टाइम ऐसा था, मैं बचपन में एयरफोर्स में जाना चाहता था, ठीक है, एयरफोर्स में मतलब एक काफी छोटे पद पर भी, मतलब एक तरीके से नहीं बोल सकते कि एक तरीके से कि जो एयरमैन होता है मतलब उस पर भी मेरी जाने की इच्छा थी स्टार्टिंग में, अगर बात करें, क्योंकि मुझे ज्यादा पता नहीं था। तो मेरे जो रिलेटिव थे, मेरे मामा जी थे एयरफोर्स में, तो मैंने उनको देखा था, मुझे बड़ी प्यारी ड्रेस लगती थी, तो मैंने कहा कि चलो यार एयरफोर्स में चलते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ा तो पता चला, मैंने कहा एयरफोर्स में यार और भी अच्छी अच्छी पोस्ट होती है, जो देखा था इंसान उतना ही पता होता है ना। फिर आगे पता चला यार इसमें तो पायलट होती है, पायलट बड़ी शानदार पोस्ट है, तो मुझे उसके लिए फिर मुझे ललक हुई, मैंने कहा वाह यार जहाज उड़ाने को मिलेगा, तो उसके लिए तैयारी करी, एसएसबी भी देने गया, हालांकि एसएसबी में क्लियर नहीं हुआ, तो एसएसबी था मेरा बनारस में। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। फिर आगे चला और चीजों का पता चलता गया,
ठीक है, उससे पहले यहाँ पर यूपीएससी के बारे में कुछ पता भी नहीं था, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए तैयारी करी, फिर स्टेट पीसीएस के लिए, तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि कई सारी चीजें सामने आती चली गई, मुझे किसी ने प्रॉपर गाइड नहीं किया, ये दिक्कत देखने को मिली, ठीक है। एक होता है ना इंसान को पता हो कि हाँ कोई इसको गाइड करेगा कि इस तरीके से काम करेगा, बस ये कि अपने हिसाब से चीजें देखता गया, समझता गया और करता गया, तो इसलिए यहाँ पर चीजें जो है एक तरीके से कहने के आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, बहुत सारे फील्ड का एक्सपीरियंस लेकर मैं यहाँ पर बैठा हूँ और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि डेस्टिनेशन जो था वो यहीं पर ही था, ठीक है, क्योंकि एक इतने सारे फील्ड का एक्सपीरियंस होना कि सारे एग्जाम्स के बारे में एक ओवरव्यू होना, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम के बारे में कभी ना कभी मैंने कुछ ना कुछ पढ़ा है जरूर, ठीक है, कहीं एसएससी दिया है तो कहीं मैंने स्टेट पीसीएस के अंदर गया हूं, कहीं मैंने असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करी है, इवन बीटेक करने के बाद में इंडियन इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन करी है, तो यानी कि हर एक एरिया के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज लिए आज के लिए मैं बैठा हूं, ठीक है। तो लगता था कि पहले कि हो क्या रहा है जिंदगी में, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, पर लेकिन अब पता चल रहा है कि आखिर ये चीजें क्यों आ रही थी, क्या कि एक ऐसे पोस्ट पर जाकर बैठे कि सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर सके इंसान, ठीक है। तो आज के डेट में जब कोई भी कमेंट करता है तो उसके बारे में मुझे कुछ ना कुछ आइडिया रहता है कि अच्छा इस फील्ड में क्या क्या चीजें, तो आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो मेरी जर्नी रही है उस जर्नी में से ये सारी चीजें निकल कर आई, तो अपने आप को कभी भी रोकना नहीं है। लगता है स्टार्टिंग में यार ये नहीं हुआ, कई सारी ऐसी भी जॉब हुई जिनको छोड़ा आराम से कि मैंने कहा यार अभी इसको ज्वाइन नहीं करते हैं, बाद में देख लेंगे, ठीक है, तो आगे चीजें बढ़ती चली गई, पर जहां पर भी बैठा हूं आज के डेट में अपनी चीज को लेकर सेटिस्फाई हूं, चीजें आगे बढ़ रही है अच्छे से, सही डायरेक्शन में जो करना चाह रहा था, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाह रहा था सोसाइटी में, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन दे पा रहा हूं, तो इस तरीके से आप लोग जिंदगी देख सकते हैं, तो कभी भी रुकना नहीं है यार अपनी जगह पर। आप लोग देखते हैं ऐसे तो बोलेंगे कि यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम सर जो पायलट बनना चाहते थे, ठीक है, पर नहीं बन पाए तो क्या वो फेलियर हो गए, आगे चलकर प्रेसिडेंट बन गए भाई देश के, तो आप लोग फेलियर बोलोगे क्या उनको? तो जिंदगी में ऐसा नहीं है कि जो आप लोग अचीव करना चाहते हैं अगर वो आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो आप लोग फेल हो गए, इसका मतलब है कि कोई और अच्छा डेस्टिनेशन आप लोगों के लिए वेट कर रहा है, उसके लिए आप लोगों को आगे बढ़ते रहना चाहिए। आई होप कि आप लोग ये समझोगे, तो डियर ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल, और जब भी सिलेक्शन हो बताया जरूर करो यार, मेल कर दिया करो, खासकर अगर बात करें तो जब भी ऐसा कुछ आप लोगों का सिलेक्शन जिंदगी में देखने को मिले, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट की ओर। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर ये बात कर रहा है बेसिकली किसके बारे में, आर्टिकल 17 के बारे में। आर्टिकल 17 अगर आप लोग बात करेंगे जब आप लोग पार्ट थर्ड में जाएंगे फंडामेंटल राइट के अंदर में, तो आप लोगों को आर्टिकल जो काफी इंपोर्टेंट देखने को मिलते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे संविधान के अंदर, ये फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं। इसी के अंदर जो आर्टिकल 17 है वो बेसिकली अनटचेबिलिटी को रोकता है। अनटचेबिलिटी अगर आप लोग हिस्ट्री से ही उठाकर देखोगे तो आप लोगों को एक अलग ही पैटर्न में नजर आएगी, तो उसी अनटचेबिलिटी को यहां पर खत्म करने की बात यहां पर इसके द्वारा की जाती है। अनटचेबिलिटी आप लोग कई तरीके से देखने को मिलती है, ठीक है, कोई यहां पर बोलता है कास्ट के नाम पर कि हाँ ये लोग जो है ये काम करेंगे, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई बार यहां पर एक तरीके से किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड भी यहां पर कमेंट कर देता है, इवन कई बार लड़कियों को यहां पर अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है, उनको ही नहीं एक तरीके से एक सिटीजन के नीचे सिटीजन जो होता है एक तरीके से आप लोग बोले सब सिटीजन की तरीके से देखा जाता है, तो कई जगह आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं को पता था कि ये चीज जो है इसको यहां पर इंपैक्ट करना पड़ेगा, यहां पर कहीं ना कहीं चीजों को दूर करने के लिए, तो इसलिए यहां पर अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी के बारे में यहां पर बात की जाती है जो प्रैक्टिस होती है। तो इसके बारे में हमारे संविधान के अंदर ही एक आर्टिकल पूरा अलग दिया गया एक अनुच्छेद, ताकि अनटचेबिलिटी को यहां पर छुआछूत जिसको आप लोग बोल सकते हैं उसको हटाया जा सके। पर लेकिन ये सारी चीजें यहीं तक ही नहीं रुकी, आगे अगर आप लोग बात करेंगे हमारे आगे कलकर हमारे देश में इसके लिए कुछ कानून भी बनाए गए, जैसे एससी और एसटी के बारे में बात करें, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी, यानी कि इनके खिलाफ अगर कुछ यहां पर गलत काम होता है तो 1989 में यहां पर उसके लिए कानून लाया गया, जो कि काफी तगड़ा कानून बनाया गया कि यहां पर ऐसा भी कुछ भी दिक्कत नहीं देखने को मिले कि ये नीची कास्ट का है ये ऊंची कास्ट का है। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा मिड डे मील स्कीम के तहत जब खाना बनाया जाता है तो कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि यहां खाना बनाने वाली जो महिला है वो एक तरीके से नीची कास्ट से आती है इसलिए खाना नहीं खाया जाएगा। तो देश के अंदर आज के डेट में भी जो हम लोग 75वीं आजादी की सालगिरह सेलिब्रेट करें ऐसी दुर्घटनाएं यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है यार, गंदा कोई भी हो सकता है, एक ऊंची कास्ट का इंसान का गंदा नहीं हो सकता है, पता चला वो इंसान जो है नहाता भी नहीं है तो क्या वो गंदा नहीं होगा, या फिर नीची कास्ट का इंसान जिसको नीची कास्ट का बोला जा रहा है क्या पता वो डेली नहाता हो, तो इस तरीके से इंसान की कास्ट के बेस पर गंदा कहना कभी भी एक सही चीज नहीं है। गंदा हमेशा उस इंसान को कहा जाएगा जिसके कर्म गंदे होंगे। ठीक है, वो सोसाइटी में महिलाओं को गलत तरीके से ट्रीट करता हो, उनकी रेस्पेक्ट ना करता हो। ठीक है, अपनी खुद की अगर बात करें, अपने खुद में नहाने धोने में अगर वैसे बॉडी के पॉइंट ऑफ से बात करें, वो इंसान जो है बिल्कुल ही गंदा हो घूम रहा हो तो उसको गंदा बोलेंगे। पर लेकिन हमारी जो हिस्ट्री आप लोग उठाकर देखोगे ना, कहीं ना कहीं उसी में से ये चीजें निकल कर आती है। सबसे ऊपर भगवान को माना जाता है, उसके बाद में यहां पर ब्राह्मण को, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र, इसके बाद में यहां पर अनटचेबल को रखा गया, जो खासकर जो सड़कें साफ करना है अपना, जो एक तरीके से साफ सफाई वाला, एक तरीके से शौचालय को साफ करना, वो सारी चीजें जो इंसान करता है उसको अनटचेबल बता दिया। पर लेकिन बदतमीजी यहां पर ये देखो, अगर ये इंसान सोसाइटी में ना हो तो जो यहां पर जिनको अनटचेबल बोल रहे हैं ऊपरी जात के लोग, वो कहां पर सर्वाइव कर पाएंगे?
पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। इसके ऊपर एक मूवी है आरक्षण, अमिताभ बच्चन की और सैफ अली खान, उस मूवी को देखेगा टाइम मिले तो, बड़ी ही प्यारी मूवी है। काफी डिटेल में कई सारे कॉन्सेप्ट को वहां पर समझाने की कोशिश की गई है कि रिजर्वेशन आखिर दिया क्यों जाता है। ठीक है, रिजर्वेशन कई बार बोलते हैं लोग कि रिजर्वेशन हटा देना चाहिए, तो रिजर्वेशन हटाते तो देना चाहिए, हाँ सही है, सोसाइटी को इक्वल बनाना चाहिए, पर रियलिटी में जिस पर्पज के लिए रिजर्वेशन लाया गया था क्या वो पर्पज हम लोग फुलफिल कर चुके हैं, तो वो भी हम लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो अनटचेबिलिटी के बारे में यहाँ पर बातें की गई है। इवन हमारी कंट्री में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बातें की गई थी अनटचेबिलिटी के बारे में 1949 में, इवन पाकिस्तान में भी अनटचेबिलिटी के बारे में 1953 में बातें की गई थी, पर लेकिन रियलिटी में अगर दोनों कंट्री में देखोगे कहीं ना कहीं ये चीजें आज की डेट में भी सर्वाइव कर रही है। तो ये हमारा थॉट प्रोसीजर हो गया है कि हाँ ये इंसान गटर साफ करेगा, ये अनटचेबल हो गया है, तो वो हम लोगों को उससे ऊपर उठना पड़ेगा। जिसको मैंने सिस्टम बोला था, अगर आप लोग एंसेंट हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो मैंने इसके लिए एक एक्रोनिम बनाया था जिसको BKVS यानी कि बकवास, बकवास सिस्टम। बकवास सिस्टम का मतलब यहां पर यह कि ब्राह्मण जो हो गया वो सबसे प्योर इंसान मान लिया। ठीक है, ब्राह्मण जो है वो किसी और तरीके से पैदा होता है क्या, या फिर शूद्र जो है वो किसी और तरीके से पैदा होता है? सारे इंसान एक ही तरीके से पैदा होते हैं और नॉर्मली एक ही तरीके से उनकी डेथ होती है। वो अलग बात है कि डेथ होने के बाद में उनको किसी को दफनाया जाता है तो किसी को जलाया जाता है, पर रियलिटी में इंसान को इंसान ट्रीट न करकर उसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र ट्रीट करना वो एक अलग पैटर्न में हो गया। अगर रियलिटी में आप लोग एंसेंट हिस्ट्री का अगर पोर्शन उठाकर देखोगे तो आप लोग को दो पार्ट में डिवाइड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग वाला फेज होगा एंसेंट हिस्ट्री का, उसमें जो ये बकवास यानी कि जो यहां पर सिस्टम है पूरा, ये वर्ण सिस्टम जो बोलते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रा, इसमें एक ही परिवार में सारे देखने को आप लोगों को मिल जाते थे। यानी कि एक ही परिवार में ब्राह्मण भी था, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया, ठीक है, कोई यहां पर व्यापारी बन गया, या फिर कोई यहां पर एक तरह सर्विस देने वाला बन गया, तो एक ही परिवार में ये सारी चीजें देखने को मिल जाते थे, तो वहां पर इनको डिवाइड नहीं किया गया था। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पर लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी तो इनकी जो कास्ट है एक तरीके से इनका जो सिस्टम है वो उसके साथ में एक तरीके फिक्स कर दिया कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के ही काम करेगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के काम करेगा, व्यापारी है तो व्यापारी के काम करेगा। तो जब से ये फिक्स टैग इनके साथ में लगा दिया तब से यहां पर ये सोसाइटी में दिक्कतें देखने को मिलने लगी, और उसी फिक्स टैग को हटाने के लिए संविधान के अंदर आर्टिकल 17 लाया गया ताकि यहां पर कहीं ना कहीं इन चीजों को दूर किया जा सके। आर्टिकल 15 लाया गया इक्वलिटी बनाने के लिए, आर्टिकल 16 लाया गया ताकि व्यापार एक तो साइड में हो गया जो भी कम से कम लोगों को मिल सके, और रिलीजन और कास्ट के नाम पर जॉब में कोई डिफरेंस नहीं लेना पड़े। आर्टिकल 18 लाया गया ताकि यहां पर किसी को टाइटल देके सोसाइटी में अलग ट्रीट नहीं किया जाए कि ये तो बहुत ही बहादुर और अलग तरीके का इंसान है, उससे डिस्टेंस बनाकर रखी जा सके। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी जो देश के अंदर की गई। तो यहां पर ये सारी बेसिक जो इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए, कल को अनटचेबिलिटी के बारे में यहां पर लिखने के लिए आ जाए तो यहां पर आप लोग उसको बेसिकली लिख सकें। तो इसलिए पूरा बेसिक के साथ में मैंने आप लोगों को बता दिया, हिस्ट्री का बैकग्राउंड भी थोड़ा सा स्टैटिक आप लोगों को बता दिया, पॉलिटिकल एंगल आप लोगों को बता दिया, सोसाइटी में कौन कौन से वर्ण सिस्टम थे यहां पर वो मैंने आप लोगों को बता दिया, कौन कौन से कानून है वो बता दिया, और हमारे देश के अंदर कब से सोचा गया था इसको हटाने के बारे में वो बता दिया। तो कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो बताएगा फिर से कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। और बाकी अगर आप लोग भी कुछ लिखना चाहते हैं इसके बारे में, आप लोग के माइंड में कुछ विचार आ रहे हैं तो यार उनको लिखा करो। ठीक है, डरा मत करो, शर्माया मत करो कि हाँ कमेंट करने में कोई पढ़ लेगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं ना डेली शेड्यूल अपना लिखा करो कमेंट बॉक्स में, आप लोगों के अंदर जो विचार आते हैं वो भी आप लोग लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एक दूसरे को अप्रिशिएट किया करो यहां पर, यही परिवार होना चाहिए एक तरीके से, और इसी तरीके से चीजें आगे भी बढ़नी चाहिए, वरना अगर इसे शर्माओगे तो कौन यहां पर 30 मार्क कहां बैठा हुआ है। ठीक है, सब ऐसे ही यार अपनी जैसे, तो किसी को ऐसे नहीं देखना, आप लोगों अपनी पढ़ाई करने आए हो, पढ़ाई करने में गलतियां होती है, इंसान से गलतियां करके सीखो, बस ये कि रिपीट मत करो मिस्टेक्स को, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, इसी के साथ में फीडबैक जरूर दिया करो वीडियो को, अब तो वीडियो लाइक करने में भी आप लोगों का मजा आता होगा, अब तो लाइक करते हैं वहां पर वो एक तरीके से आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं लाइक कर देखो कैसा लगता है लाइक करने में अभी यहां पर, तो उसको कोशिश किया करो कि उसको अप्रिशिएट किया करो, इससे मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पर, आर्टिकल कंप्लीट, आगे चलते हैं यहां पर, एक कोटेशन वगैरह देख लेते हैं यहां पर। ये बेसिकली बात की जा रही है अगर एसे राइटिंग या फिर आंसर राइटिंग में यूथ के बारे में, यंग जनरेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर ये कोटेशन जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। कोफी अन्नान साहब के द्वारा ये बात बोली गई है, बोला गया है यंग पीपल शुड बी एट द फोरफ्रंट ऑफ द ग्लोबल चेंज एंड द इनोवेशन, यानी कि जो यंग जनरेशन है ना उनको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, कभी भी फालतू में चीजों को देखकर डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और एक तरीके से बोला जा रहा है कि एम्पावर दे कैन बी द की एजेंट ऑफ फॉर द डेवलपमेंट एंड द पीस, यानी कि अगर कल को डेवलपमेंट लेकर आना है देश के अंदर में किसी भी एरिया में या फिर शांति बनाकर रखनी है तो यहां पर जो युवा है वो यहां पर एक तरीके से की एजेंट हो सकते हैं यहां पर, यानी कि ऐसे नहीं एक तरीके से शांति के दूत आप लोग बोल सकते हैं, प्रमुख ये पर्सन है जो यहां पर ये काम कर सके। तो अगर लिखने के लिए आ जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर यूज कीजिएगा, इसके चलते ही आप लोगों को लगेगा कि हाँ एग्जामिनर को कि हाँ इंसान ने पढ़ रखा है। और सारी की सारी कोटेशन जो है आप लोगों ने देखा होगा, मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को रेगुलरली प्रोवाइड कराते रहता हूं, उसके सामने हैशटैग नंबर भी डाल देता हूं, अब तक जितनी कोटेशन शेयर की है
वो सारी आप लोग देखते हैं यूथ के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में या फिर इन्वॉल्वमेंट के बारे में। तो इसमें कई बार आप लोग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो हमेशा ये कोटेशन आप लोग अपने पास में रख सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोग समझेगा। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? आप लोग बोलेंगे कि इस ऐसा क्वेश्चन क्यों, क्योंकि ये रिसेंटली अभी यहां पर 2021 में यहां पर ये जो डे है ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था। आप लोगों को ये भी बताना है कौन सी कंट्री के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। पूरा आर्टिकल मैंने डिटेल में डिस्कस किया था शाम को, जो 8:30 बजे वीडियो आती है जो पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल डिस्कस करता हूं, तो सारी चीजें मैंने कवर की थी वहां पर। ठीक है, तो 26 जनवरी, 30 जनवरी, 1 फरवरी या फिर 3 फरवरी, सही आंसर क्या है वो आप लोगों को यहां पर इसका बताना है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने डिटेल में आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किया था। अभी इसके बारे में बात किया जा रहा है होयसल आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, होयसल आर्किटेक्चर जो है हमारे देश में, अगर हिस्ट्री को आप लोग उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर बात की जा रही है डेवलप की गई थी 11th सेंचुरी और 14th सेंचुरी में। बोला गया कि यहाँ पर ये सदन जो तमिलनाडु में आप लोगों को देखने को मिलती है कॉन्सेंट्रेटेड, उसी के साथ में यहाँ पर ये हाइब्रिड जो आप लोगों को या फिर एक तरीके से वर्षा स्टाइल में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, वर्षा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है। ए में बोला गया 1 एंड 2, बी बोला गया 2 एंड 3, सी बोला गया 1 एंड 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर आप लोग बताइए, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज जो है ये किस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया? कंपनी एक्ट 1956 या कंपनी एक्ट यहाँ पर 2013 या सेबी एक्ट 1992 या फिर एनसीडी एक्ट यहाँ पर 1972। ये जो आप लोगों का आगे आने वाला पेपर है एपीएससी या फिर कोई भी आप लोग ऐसे एग्जाम की तैयारी करें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, तो इसके बारे में अच्छे से आंसर दीजिए ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर सको। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को लेकर इसके लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, तो इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल की ओर जो कि काफी इंपोर्टेंट है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बारे में जब हम लोग बात करें, पहले आप लोग इनको मैप में निहारिए। अभी हमारी कंट्री में इनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, पर लेकिन दिक्कत क्या रह गई यहाँ पर, कोरोना के चलते यहाँ पर ही हमारे देश में नहीं आए, तो यहाँ पर आप लोगों को सेंट्रल एशियन कंट्री देखने को मिलेगी। जैसे कि बात करें यहाँ पर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये जो कंट्री है ये काफी रिसोर्सफुल कंट्री है, पर लेकिन इनका दुर्भाग्य ये है कि ये चारों ओर से जमीन से घिरी हुई है, तो अगर इनको कहीं पर जाना है तो इनसे यहाँ पर इनको हेल्प लेनी पड़ेगी पड़ोसी देशों से, या तो ये यहाँ पर ईरान से हेल्प लें कि भाई साहब हमको इंडियन ओशन में जाने का मौका दे दो। ठीक है, या फिर ये पाकिस्तान से हेल्प लें यहाँ पर कि भाई साहब हमको कुछ रास्ता प्रोवाइड करा दो, और पाकिस्तान कर भी रहा है ऐसा, या फिर अफगानिस्तान पर, लेकिन अफगानिस्तान तो बेचारा खुद ही दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, वो क्या हेल्प करेगा। तो अभी हमारा देश जो है यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्री के पास पहुंच रहा है, क्योंकि रिसोर्स काफी ज्यादा है एनर्जी के पॉइंट ऑफ से आप लोग बोल सकते हैं, एनर्जी में जैसे क्रूड ऑयल के बारे में बात करें, इसी के साथ में जो इंपोर्टेंट है यहाँ पर हमारे लिए, जो हमारी कंट्री में अगर बात करें, हम लोग आज के डेट में न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाते हैं बिजली बनाने के लिए, तो उसमें यहाँ पर ये काफी ज्यादा यूरेनियम की भरमार आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो उसके लिए भी ये काफी इंपोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये कि प्रोडक्टिव है, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अभी एक और इंपोर्टेंट मुद्दा, तो चाइना यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुका है, यानी कि चाइना ने यहाँ पर पहले न्योता भेज दिया है जब हम लोगों ने न्योता भेजा, अब यहाँ पर ये भी मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सब बहुत सारे यहाँ पर बातें डिस्कस की गई, एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हुआ चलता हूं ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टूड कर सकें। ठीक है, आइए देखते हैं। अभी हमारी कंट्री का इंडिया और सेंट्रल एशिया का एक वर्चुअल समिट अभी यहाँ पर देखने को मिला 26 जनवरी के दिन, जब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनको इनवाइट किया था, उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को वर्चुअल समिट देखने को मिला। देखिए दोनों कंट्री को कैसे कनेक्ट कर चल सकते हैं, तो बात की जा रही है कल्चर सबसे अच्छा तरीका होता है, सिविलाइजेशन सबसे अच्छा तरीका होता है, और लोगों का लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट वो भी सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें हम लोग अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। पर लेकिन भाई साहब आप लोगों ने सुना होगा एक गाँव में शादियां नहीं हुआ करती थी, तो पूछा गया भाई साहब इस गांव में शादियां क्यों नहीं होती है, क्योंकि भाई साहब इस गांव में जाने का रास्ता नहीं है कोई ढंग से, कि लोग जो है यहां पर जा सके, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, जो भी रास्ते हैं वो टूटे फूटे पड़े हुए, बड़ी ही दिक्कत देखने को मिलती है, इसलिए लोग अपनी लड़की भेजना पसंद नहीं करते यहां पर, कि कनेक्टिविटी की बड़ी इशू है। इसी तरीके से हमारे साथ में कनेक्टिविटी की इशू आती है सेंट्रल एशिया को लेकर, तो हमारे देश से सेंट्रल एशिया में व्यापार इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि भाई साहब कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। और कनेक्टिविटी नॉर्मली कहां से होती है, लैंड रूट से होती है अगर प्रॉपर वे में देखा जाए तो, और या फिर पानी के रूट से होती है। पर लेकिन जब कंट्री ऐसी जगह है गुफ्त होकर बैठी हो जहां पर आने जाने का कोई रास्ता ही ना हो, तो फिर क्या किया जाए। और पड़ोसी देश जो है वो इतने प्यारे हो कि वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमने बोला था पाकिस्तान से कि भाई साहब दे दो कनेक्टिविटी हमको अफगानिस्तान तक, तो उसने दी नहीं, पाकिस्तान उधर दे गए, अफगानिस्तान में बेचारे भूखे मर रहे हैं लोग, और उसको खाना तक पहुंचाने की बात नहीं की। तो यहां पर ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। हालांकि वो हमारी स्ट्रेटजी थी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नंगा करने की दुनिया के सामने, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, क्योंकि ये बोल रहे हैं अफगानिस्तान के रहनुमा है। पर लेकिन जब हम लोगों ने बोला कि यहाँ पर सामान भेज रहे हैं, तो इन्होंने हम लोगों को मना कर दिया। ठीक है, सामान पहले तो अलाउ कर दिया, पर फिर बोला ऐसा करो हमारे ट्रक में भरकर तुम यहां से भेजो, और फिर हम लोग अपने ट्रक में भरेंगे इनको, फिर वहां पर पहुंचा देंगे। इंडिया वाले बोले कि बेवकूफ बना रहे हो, वो बहुत सोचेंगे हमने यहाँ पर कि पाकिस्तान से नहीं, ये एक तरीके से इंडिया से नहीं, पाकिस्तान ने हमको हेल्प भेजी है।
तुम अपना ही पेट पाल लो पहले, दूसरों को तो तब हेल्प भेजोगे, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज निकल कर आए। चलिए जो भी है, तो मुद्दा यहाँ पर यह कि कनेक्टिविटी का इशू काफी ज्यादा खतरनाक है, जिसके बारे में बातें की जा सकती है, जो कि सोचने वाला मुद्दा है। तो इसके चलते यहाँ पर यही मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया, और इसी के साथ में अफगानिस्तान के बारे में बात की काफी कुछ, क्योंकि अफगानिस्तान भी अभी काफी बड़ा इंपोर्टेंट मुद्दा बन गया तब से लेके जब से यहाँ पर तालिबान आ गया। देखिए अफगानिस्तान के साथ में ना कनेक्टिविटी, उसका भी यही इशू है। चाबार पोर्ट हम लोग इसीलिए डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि अफगानिस्तान के साथ में कनेक्टिविटी बना सके, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में भी कनेक्टिविटी बना सके, ईरान के थ्रू या फिर अफगानिस्तान के थ्रू, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है, यानी कि पाकिस्तान जो है बेटा, वो काम ढंग से नहीं कर पाता है, दिक्कत ये देखने को मिलती है। बदतमीज बेटा नहीं होता, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे बच्चे जो है बदतमीज हो जाते हैं, तो ये इंडिया का बदतमीज बेटा है, जो कि आप लोग ऐसी हरकतें देखने को मिलेगी। तो इसके चलते कई बार ऐसे इशू बन जाते हैं, तो इसके चलते हम लोग भी यहाँ पर कनेक्टिविटी के मुद्दे ढूंढ रहे हैं कई सारे, तो इसी के चलते यहाँ पर निकल कर आता है ये आप लोग के सामने रूट। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आप लोग इसको बोलते हैं। स्टैंडर्ड जो रूट था वो ऐसा हुआ करता था, यहाँ पर ये यहाँ से होता हुआ इस तरीके से जाता था मेडिटेरेनियन सी से होते हुए और इस तरीके से, पर लेकिन हम लोगों ने ये जो जमीन के रास्ते रूट ढूंढ लिया है, तो ये काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर रूट होता जा रहा है, जो कि इसको डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है, और रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में जाकर यहाँ पर ये मिल रहा है, यानी कि यूरोप एशिया को यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, और इधर से अफ्रीका के थ्रू यहाँ पर होते हुए चीजें जा रही है। तो जैसे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, उसी तरीके की झलक आप लोगों को यहाँ पर इसमें भी देखने को मिलेगी, तो ये काफी बड़ी बात है, तो इसको आगे लेकर चलने की बात यहाँ पर की जा रही है, जिसको आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मुद्दा आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अभी क्या क्या चीजें चल रही है मैं आप लोग यहाँ पर समझाता हूँ आर्टिकल के थ्रू एक एक पॉइंट। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है यहाँ पर ये पांच जो सेंट्रल एशियन कंट्री है इनके साथ में इस तरीके से डायलॉग कर रहे हैं, और पहली बार इस तरीके से ये एक डायलॉग आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर प्रॉपर वे में आगे रिलेशन ले जाने की बात की जा रही है। इससे पहले माहौल बनाया गया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब के द्वारा, और वो आप लोगों को पता है हमारे जेम्स बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर अजीत डोभाल साहब, तो इनके द्वारा माहौल बनाया गया था पहले, ऐसी बात नहीं है कि अभी चीजें चल रही हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर कुछ मीटिंग्स हो चुकी हैं चीजों को लेकर कि हाँ कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है, तो उसी के चलते हम लोग चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पर अगर बात करें तो हमारा जो व्यापार है आज के डेट में अगर बात करें, वो भी मेनली कजाकिस्तान में आप लोग को देखने को मिलेगा, बहुत कम है, 2 बिलियन के करीब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जबकि चाइना का यहाँ पर अगर देखेगा हमसे भाई साहब बहुत ही ज्यादा है, यानी कि 41 बिलियन आप लोग को देखने को मिलेगा, और इसको आने वाले टाइम में यहाँ पर 2030 तक का ये 80 बिलियन करने की बात की जा रही है। सोचो कि 100 बिलियन के करीब यहाँ पर चाइना का व्यापार है, और ये तो भाई साहब उससे अलग है जिनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो तो ये इसमें काउंट ही नहीं कर रहे हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग जो है वो थोड़े लेट हो गए यहाँ पर पहुंचने में, ऑलरेडी जो है यहाँ पर चाइना जो है वो माहौल बना चुका है काफी लार्ज स्केल पर, और ये कंट्री ऐसी है इनको यहाँ पर चाइना जैसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को ये माहौल इस तरीके का नजर आ जाएगा। तो ये सारे इश्यू जो है वो इसी के इर्द गिर्द आप लोगों को घूमते हुए नजर आएंगे। तो हम लोग चाबार पोर्ट अगर डेवलप कर देते हैं, तो यार लोगों के पास में जब ऑल्टरनेटिव रहता है ना, तो फिर वो उसको यूज करना स्टार्ट कर ही देते हैं। कल को चलकर क्या रहेगा अगर चाइना उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, तो कम से कम इनके पास में एक बार्गेनिंग पावर भी आ सकती है कि भाई साहब तुम नहीं करोगे तो इंडिया को बुला लेंगे। ठीक है, तो ये मुद्दा आप लोग समझ सकते हैं। तो चाबार पोर्ट जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है, पर लेकिन चाबार को लेकर भी हमारी कई सारी दिक्कतें हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर चाबार के ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, कई बार यूएसए जो है यहाँ पर वो गुस्सा हो जाता है ईरान से और बार बार बोलते हैं हम लोग सैंक्शन लगा देंगे, पता चला हम लोगों ने $1 बिलियन यहाँ पर खर्च कर दिए और यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया, तो ये काफी बड़ा इशू देखने को मिलता है। इसलिए इंडिया जो है वो कई बार यहाँ पर इसको लेकर टेंशन में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर वरना ग्रेट एक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिसके चलते रोड एंड रेल के जो लिंक बनाए जाएंगे ईरान से, और सारी चीजों को हम लोग कनेक्ट करके दे सकते हैं, पर लेकिन यूएसए के सैंक्शन की वजह से हम लोग यहाँ पर थोड़ा पीछे रहते हैं। ठीक है, इसी के साथ में वरना हम लोग चाहे हम लोगों ने पहले बोला था पाकिस्तान से कि पाकिस्तान भाई हमको रास्ता दे दिया, हमको सामान लेकर जाना है, उधर से सामान लेकर आना है, पर पाकिस्तान आप लोगों को पता है पाकिस्तान तो एक तरीके से बताया ना बदतमीज लड़का है, तो इसलिए यहाँ पर उसने जो है अपने पापा को ही मना कर दिया, तो ये बिल्कुल गलत बात यहाँ पर देखने को मिली। तीसरा जो मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया वो थर्ड ऑप्शन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये बेसिकली रसिया ईरान इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये है अभी यहाँ पर जिसके ऊपर हम लोग काफी जोर शोर से काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये हम लोग प्रॉपर वे में डेवलप करके इसको आगे लेकर चल पाते हैं तो इससे काफी फायदा देखने को मिलेगा, पर इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो है वो इसके मेंबर नहीं है। चलिए कोई नहीं, मेंबर नहीं है तो आगे बुला लेंगे न्योता देकर कि आओ भाई आओ एंजॉय करते हैं, तो वो सारी चीज देखने को मिलेगी। अभी इंडिया का एक और मुद्दा है काफी इंपोर्टेंट, जो कि एनर्जी के बारे में, मैंने आप लोगों को बताया हमारा देश जो है लगभग 85% क्रूड ऑयल जो है वो बाहर से खरीदता है, और लगभग 55% गैस जो है वो बाहर से खरीदता है। इंपोर्टेंट डेटा है, आंसर राइटिंग में भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पर ये हो गया मैक्सिमम चीजें हम लोग अपने देश में जो भी यूज करते हैं वो बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग को इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर एक तापी पाइपलाइन है जो कि तुर्कमेनिस्तान से आती है, जिसको तापी जो नाम रखा गया, टी का मतलब होता है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है,
ए का मतलब होता है अफगानिस्तान, बी का मतलब होता है पाकिस्तान और आई का मतलब होता है इंडिया। तो पहले यहां पर पाकिस्तान को लेकर हमारी चिंता रहती थी कि यार तापी पाइपलाइन है, पाकिस्तान आने नहीं देगा और दिक्कतें देखने को मिलेगी। पर लेकिन अब तो पाकिस्तान के साथ में अफगानिस्तान में भी टेंशन हो गई, क्यों? उस टाइम पर तो हमारे दोस्त बैठे हुए थे यहां पर, अशरफ गनी भाई साहब। पर लेकिन अब यहां पर कौन आ गया? अब आ गया तालिबान। तो तालिबान के साथ में हम लोग कैसे भाईचारा करना है तो वो देखना पड़ेगा, और उसके बेस पर यहां पर ये पाइपलाइन आगे चलेगी। और तालिबान भी अभी खुद ही अपनी कहते कि लंगोट उठाकर घूम रहा है इधर उधर की कोई मुझे मान लो। तालिबान को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि तालिबान एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, कोई भी इसको अब तक एक तरीके से रिकग्निशन नहीं दे रहा है। तो ये इसलिए घूम रहा है सब जगह, और दुनिया भर का पैसा यहां पर जो दिया करता था इसको बेसिकली यूएसए ने सारे अकाउंट जो फ्रीज कर दिए। तो आज की डेट में तालिबान जो है वो कटोरा लेके घूम रहा है और यहां पर बड़ी ही बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है। इसलिए ओस्लो, आप लोगों ने देखा कि ओस्लो गए तो ओस्लो में भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट वहां पर देखने को मिला कि भाई साहब क्या चल रहे हैं। चलिए जो भी है आगे आने वाले टाइम में देखते हैं। तो जब से यहां पर तालिबान ने टेक ओवर किया है अफगानिस्तान के अंदर में, तब से यहां पर कंसर्न जो है वो और ज्यादा बढ़ गए। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। देखिए इन्होंने कितनी गंदी गंदी हरकतें यहां पर करी, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं इसके बारे में। आज की डेट में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा अफगानिस्तान के अंदर में जो लड़कियां हैं उनको वहां पर ना तो स्कूल में देखने को मिल रही है, ठीक है, ना ही काम पर कहीं देखने को मिल रही है। लड़कियों को सबको पैक करके रख दिया इन्होंने साइड में, जैसे किसी प्रॉपर्टी हो इनकी, उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। ओस्लो में जब ये पहुंचे तो वहां पर भी इनका पूरा डेलीगेशन जो था वो सारे मजे में गए वहां पर, और वहां पर इनके द्वारा सारे जो है मैन गए, बेसिकली कोई भी वुमेन वहां पर नहीं थी। तो पूछा गया भाई साहब वुमेन क्यों नहीं है यहां पर, तो यहां पर इनके पास में कोई जवाब नहीं था। इनके द्वारा बोला गया कि आने वाले टाइम में मार्च में लगभग आकर ये क्या करेंगे, लड़कियों के लिए स्कूल वगैरह ओपन करेंगे जहां पर कुछ चीजें आप लोग को देखने को मिल सकती है। तो ऐसे कई सारे इश्यूज हैं, देखते हैं किस तरीके से उसका सोल्यूशन निकाल पाते हैं। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। तो अफगानी यहां पर इनकी करेंसी होगी और काबुल यहां पर कैपिटल होगी। तो आने वाले टाइम में क्या कंडीशन है वो आप लोगों को बता दी जाएगी। बाकी आज से पहले यहां पर दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट किया गया था यूएसए के द्वारा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो। आप लोग यहां पर देख सकते हैं दुनिया भर की सड़कें बनाई गई थी इनके द्वारा, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर काम किया गया, लिटरेसी बढ़ी, ये अर्बनाइजेशन बढ़ाया गया यहां पर। तो ये सारा लगभग 20 साल में जो यूएसए के द्वारा यहां पर काम किया गया था वो अभी यहां पर कहीं ना कहीं इनके द्वारा खत्म कर दिया गया। तो मुद्दा यह है कि किस डायरेक्शन में यहां पर अभी आने वाले टाइम में ये चलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो देखते हैं कहां कहां पर चीजें जो है यहां से पहुंचती हैं। तो कई सारी बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो इसी के चलते अभी यहां पर इसके बारे में भी बातें की गई कई सारी। इसी के साथ में यहां पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दा वो है कि जो समिट है उसकी स्टेटमेंट अगर आप लोग यहां पर प्रॉपर देखोगे तो जो थीम आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो एक तो एंगेजमेंट की बात की जा रही है प्रॉपर वे में, ठीक है, अफगानिस्तान चाबार पोर्ट को कैसे लेकर चलना है, एजुकेशन और कल्चर को कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमारे द्वारा बातें की गई है। तो मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम लोग को सेंट्रल एशियन कंट्री में एंट्री मिल सकती है। पर लेकिन ये जो मौका होता है इतनी आसानी से मिलता नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कई लोग जो है वो धाक लगाए बैठे रहते हैं, जैसे रशिया ऑलरेडी यहां पर स्ट्रेटेजिक प्लेयर है इस रीजन का, और चाइना जो है वो बिगेस्ट एक तरीके से यहां पर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचागत प्रोजेक्ट चला रहा है। तो हमारे लिए सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ में अपने रिलेशन बनाना वो अभी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हमारे आड़े जो है हमेशा चाइना आप लोगों को खड़ा देखने को मिलेगा। पर फिर भी एक तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, और इसका मतलब यह है कि हम लोग आगे चलकर चीजों को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो आज तक नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी आप लोगों का मन करे आप लोग जिंदगी को चेंज कर सकते हो, तो ऐसे ही हम लोग यहां पर भी चेंज करने वाले हैं। हालांकि पाकिस्तान जो है वो भी पूरा कूद कूद कर सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि ग्वादर और कराची के जो पोर्ट है उससे सेंट्रल एशियन कंट्री को मैं क्या करूंगा, उसको इंडियन ओशन में जाने की एंट्री दूंगा, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान जो है बार बार ये कहते हैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट क्यों होते हो, मेरे पास में आओ ना तो मैं तुमको एंट्री दूंगा, यहां पर आसानी से तुम जा सकते हो यहां पर अरेबियन सी के अंदर में। तो पाकिस्तान भी यहां पर अपनी जो रोटियां हैं सेकने पर लगा हुआ है, और यहां पर इसी तरीके से तो बोला जा रहा है कि इंडिया को थोड़ा सा फुर्ती से काम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी चाइना जो है इन्वेस्टमेंट डबल कर रहा है, सारी चीज चल रही है, हमसे पहले वो न्योता लेकर पहुंच गया कि पहले शादी में जरूर होना तब तक हम पहुंचे अपने की गणतंत्र दिवस में आना। तो उससे पहले पाकिस्तान चाइना रशिया जो है वहां पर अपनी जो निगाहें डगाए बैठे हैं। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि इस टाइम पर हम लोग को कैसे चीजों को लेकर चलना है, एक बैलेंस कैसे बनाना है। थोड़ा सा मैंने कहते हैं कि एक तरीके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात हो जाती है, चलो लेट आए तो बेस्ट सर्विस आप लोगों को कम से कम प्रोवाइड करानी चाहिए। तो ये मुद्दा है यहां पर, तो इसके बारे में बातें की जा रही है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कई बार आप लोगों से यहां पर ये चीजें पूछ ली जाती हैं जिसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा था डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ये आर्टिकल आप लोगों के सामने, ठीक है। ये बात कर रहे हैं डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड के बारे में। कल को चलकर मान लीजिए किसी इंसान कोई ए है, उस इंसान को कोई बीमारी होती है और वो इंसान जो है वो डॉक्टर के पास में जाते हैं, ठीक है। जैसे वो इंसान डॉक्टर के पास में जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि आप लोगों को कौन सी बीमारी है, तो वो बताता है मुझे ये बीमारी है। आप लोग उस बीमारी की हिस्ट्री बताते हैं उस इंसान को कि हाँ ये बीमारी मुझे इस टाइम पर भी हुई है। तो डॉक्टर क्या करेगा, उसका सारा डेटा जो है वो इकट्ठा करके उसकी आईडी पे बेसिकली सेव करेगा।
तो यहां पर कि इस इंसान को पास में ये बीमारी देखने को मिली है। अगर आगे चलकर इस इंसान को 5 साल बाद कोई बीमारी होती है तो उसको पता रहेगा कि 2022 में भी इस इंसान को ये बीमारी देखने को मिली थी, और इसी तरीके से इसी पैटर्न में 2027 में इसको अभी यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर जो है और अच्छे तरीके से इलाज यहां पर कर पाएगा। तो डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड जो है वो देश में लाने की बात की गई, और इसी के बेस पर कैसे चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं वो यहां पर समझने की कोशिश की गई। पर लेकिन ये जो हेल्थ आईडी कार्ड है इनको हम लोग को रखना कैसे है, क्यों? क्योंकि कई बार यहां पर प्राइवेसी जो है वो यहां पर इश्यू बन जाती है। अगर आप लोगों ने डेटा लिया है तो वो डेटा आप लोगों के पास में कब तक होना चाहिए, तो ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश में 2017 में एक केस आया था जिसको आप लोग बोलते हैं के एस पुत्तास्वामी केस ने ये बोला प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है, और यहां पर इसको बोला गया कि ये यहां पर काफी इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 21 से निकाली गई है राइट टू लाइफ के साथ में, यानी कि इंसान जो है यहां पर अगर वो आज के दिन में पैदा हुआ है तो उसकी प्राइवेसी उसके साथ में पैदा हो गई है। हालांकि स्टार्टिंग में जब यहां पर बात की जाती है एक पर्टिकुलर केस आया था यहां पर जिसका नाम था खरक सिंह केस, ठीक है, KHARA के खरक सिंह केस, तो इसमें यहां पर प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट नहीं बताया गया था, ठीक है। तो यहां पर ये जो थी यहां पर 8 जज की बेंच थी उसके द्वारा ये केस सुना गया था, ठीक है। आगे चलकर फिर यहां पर जब चीजें चेंज हुई यहां पर, ठीक है, उसमें फिर यहां पर पैटर्न को चेंज किया गया और अच्छे से यहां पर 9 जज की बेंच बनाई गई, और उसमें आधार केस आया। आधार केस जो थे यहां पर ये जज ही थे, केस पुत्तास्वामी साहब, अब यहां पर ये पार्ट बने इस केस का, और यहां पर इनके द्वारा बोला गया कि आधार का डेटा अगर चोरी हो रहा है तो मेरी प्राइवेसी का जो है वो हनन हो रहा है। तो उस टाइम पर बोला गया क्यों, क्योंकि वहां पर आप लोग आंख की पुतली, हाथों की फिंगर जो प्रिंट है, पता नहीं क्या क्या आप लोग ले रहे हैं, तो यहां पर अगर वो डेटा यहां पर पब्लिक में आ जाता है तो मेरी प्राइवेसी का यहां पर हनन हो रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये केस काफी इंपोर्टेंट बना देश में, और इसने प्राइवेसी को देखने का पूरा पैटर्न ही चेंज कर डाला। इसी के चलते यहां पर सेक्शन 377 वाला केस था, यानी कि एक तरीके से डिक्रिमिनलाइज कर दिया यहां पर। अगर बात करें यहां पर सेम सेक्स जो मैरिज होती है, मैरिज तो नहीं हालांकि हो पा रही है अभी, पर लेकिन अगर मेल और फीमेल आपस में अगर जिंदगी बिताना चाहते हैं, गे कपल या फिर लेस्बियन की तरीके से रहना चाहते हैं, तो उसको अलाउ किया जाता है यहां पर इसके तहत। तो ये सारा मुद्दा आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। तो इसी के चलते अगर कष्ट को किसी का इलाज करवाना है तो उसका डेटा अगर आप लोग रखते हैं तो वो डेटा जो है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, वो यहां पर बात बोली गई इस पर्टिकुलर सेक्शन के तहत, ठीक है, कि यहां पर एक तरीके से इस पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत। और कई सारे केसेस अभी यहां पर देखने को मिले, इंसान से पूछना पड़ेगा उसका डेटा आप लोग कितना यूज करना है। तो अभी यहां पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में जब बात करते हैं तो हेल्थ आईडी एवरी सिटीजन की यहां पर होनी चाहिए, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है उसके पास में एक रजिस्ट्री होनी चाहिए। इसी के साथ में हेल्थ केयर फैसिलिटी जो रजिस्ट्री है यहां पर वो एक तरीके से एक सही काम करेगी डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर। अगर कल को उससे इंटीग्रेटेड एक अप्रोच हम लोग लेकर चले, एक हॉस्पिटल में कोई इंसान पहले इलाज करवा रहा था, अब दूसरे में चला गया, अब वो कहीं पर भी चला जाए उसकी आईडी के साथ में उसकी जो बीमारी है वो सारी लिख दी वहां पर, ताकि उसका इलाज आसानी से किया जा सके। पर लेकिन ये डेटा खतरनाक हो सकता है, पता चला किसी को एड्स की बीमारी है, किसी को कोई और बीमारी है, किसी को पाइल्स की बीमारी है, किसी को कोई यहां पर थायराइड की बीमारी है, तो वो बीमारी इंसान नहीं चाहता किसी को पता चले, उसी की बीमारी उसी के पास में रहे, कोई ज्यादा इसके बारे में ना जाने, तो इसके चलते वो अपने आप को प्राइवेसी में रखना चाहता है। पर लेकिन ऐसा हो ना पाए, पता चला उसकी सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक में आ गई तो ये गलत हो जाएगा, या फिर उसका डेटा बेस दिया गया, जैसे आज के दिन में आप लोग इंटरनेट पे कुछ चीजें रजिस्टर करते हो, किसी कॉलेज के बारे में सर्च करते हो, अपना फोन नंबर दे दिया, तो कल को चला दुनिया भर के कॉलेज वाले आप लोगों के पास में कॉल कर रहे हैं, ठीक है। बैंक में आप लोगों ने किसी में प्राइवेट में अपना बेसिकली आज के में अकाउंट खुलवाया तो अलग अलग इंश्योरेंस वाली कंपनी, क्रेडिट वाले आप लोग कॉल करने लगेंगे। तो ये डेटा जो बेचा जाता है आज के डेट में सबसे घटिया चीज मुझे लगती है। मतलब इतने सारे फोन आते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, कोई सिम ले लो, एक नया सिम ले लिया, उसके बारे में दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। समझ रहे हो आप लोग कि आज के डेट में मतलब कहीं से किसी का भी सिम किसी के साथ में भी नंबर शेयर किया जा रहा है, तो ये सबसे घटिया चीज है यहां पर, जिसकी वजह से आज के में देखने को मिलेगा जेन्युइन कॉल तक भी इंसान कई बार नहीं उठा पाते हैं, पता नहीं कौन कौन कॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे इशू देखने को मिलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं डेटा को ब्रीच किया जाता है। अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो भी यहां पर हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, लैब्स हैं, या फिर जो भी यहां पर काम करने वाले प्रोग्राम मैनेजर हैं, रेगुलेटर हैं, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि सिटीजन का जो भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है अगर उसको ढंग से यूटिलाइज करना है, जिस पर्पज के लिए उसको लिया गया उसी पर्पज के लिए उसको यूटिलाइज करना है, उसका कोई भी मिसयूज नहीं होना चाहिए, तो ये सारी बातें देखने को मिलेगी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, आप लोगों को बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, तो उसके हिसाब से भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं, कल को क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये पूरा एक ओवरव्यू यहां पर इस आर्टिकल का दिया, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ओके। आगे चलते हैं, यहां पर जो नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है, ये बात कर रहा है डेथ ऑफ ए टेररिस्ट। डेथ ऑफ ए टेररिस्ट मतलब अभी आप लोगों ने यहां पर देखा इस्लामिक स्टेट के बारे में आप लोगों से बात की, और इस्लामिक स्टेट का जो यहां पर सरगना था जिसका नाम भी मैंने आप लोगों को बताया, नाम हालांकि याद नहीं रखना है, मुझे लगता है कि शायद कोई एग्जाम में आप लोगों से नाम पूछेगा, ठीक है। तो नाम बेसिकली यहां पर इसका है अबू इब्राहिम अल हासमी अल कुरैशी।
तो ये इंसान जो था एक घर में था, उस घर का पता लगाया गया यूएसए की फोर्स के द्वारा और उसको चारों तरफ से घेर लिया, तो उसने अपने आप को अपने बीवी बच्चों के साथ में उड़ा डाला। तो बदतमीज ने अपनी तो सुसाइड किया, बच्चों की भी सुसाइड, वाइफ की भी सुसाइड, तो अपने आप मर रहा था, हरकतें अपने आप कर रहा था, तो अपने आप जाता क्यों, बच्चों को साथ में लेकर गया, उनकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। और ये थर्ड है यहाँ पर, 32 नहीं है, ठीक है, 3 है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से। अगर बात करें, देखिए आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, उस कहानी में ये कहा जाता है कि एक डाकू हुआ करता था, उस डाकू को बेसिकली एक डाकू को एक महात्मा मिलते हैं और महात्मा कहते हैं कि तुम ये जो काम कर रहे हो आज के दिन में लोगों को मारना लूटना कूटना, क्या तुमको पता है किसके लिए काम ये कर रहे हो? उसने कहा कि मैं अपने घर वालों के लिए ये काम कर रहा हूं। उसने बोला अच्छा अपने घर वालों के लिए काम कर रहा हूं, तो उसने कहा कि ठीक है अपने घर वालों से जाकर पूछो तो सही कि क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ में इस काम के। वो गया, उसने पूछा अपने बेसिकली बीवी से पूछा, उसने बोला कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, तुम ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, एक मतलब तरीके से गलत काम है, तुम कमा कर लेकर आ रहे हो सही बात है पर लेकिन गलत तरीके से काम कर रहे हो, तुम्हारे इस पाप में हम तुम्हारे साथ नहीं है। बच्चों ने भी ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, तो घर वालों ने सबने यहां पर बेसिकली उसको इनकार कर दिया। तो ये उसको ये लग रहा था कि यार वो गलत काम करके अपने घर का पेट पाल रहा है, अपने घर वालों का ध्यान रख रहे हैं, पर लेकिन गलत काम में तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे अगर तुम गलत काम करोगे, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लेकर चलो, चाहे कोई भी दिक्कतें क्यों ना देखने को मिले, हो सकता है लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो उस टाइम पर, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम आ गई तो आप लोग गलत रास्ता अपना लो, ठीक है। तो बीइंग ए टीचर मुझे लगता है कि ये चीजें हमेशा आप लोगों के माइंड में मुझे डालते रहना चाहिए कि जिंदगी में कितनी भी दिक्कत क्यों ना आए पर राइट पाथ पर अपना बने रहना है, क्योंकि राइट पाथ पर अगर बने रहोगे तो जिंदगी में हमेशा सक्सेस मिलेगी, वरना अगर कहीं पर पहुंच भी गए ना तो आप लोगों को रिग्रेट होगा कि पास्ट में यार ये गलतियां की हैं, ठीक है, और वो भी जाने अनजाने में एक तरीके से हो जाती है तो समझ में आता है जानबूझकर ये गलतियां की हैं। कल को कुछ पब्लिक में बोलोगे ना तो बोल देंगे तुम वही हो जो ऐसी हरकतें किया करता था, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो, तो अपनी डिग्निटी के लिए कम से कम आप लोगों को हमेशा गलत पाथ चूज नहीं करना चाहिए, हमेशा राइट पाथ पर आप लोगों को रहना चाहिए। आगे बात करें, अभी यहां पर ये जो इंसान है इसकी डेथ होगी, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस्लामिक जो स्टेट है उसकी डेथ होगी यहां पर, हालांकि कुछ ना कुछ कमजोर तो देखने को मिलेगा। जब 2014 में यहां पर ये चीजें काफी लार्ज स्केल पर बढ़ना स्टार्ट हुई, तो जी यहां पर कैलिफेट जो बगदादी थे उनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया 2014 में, तो उसके चलते यहां पर लगा कि आईएसआई इस्लामिक स्टेट जो इराक एंड सीरिया जो है ये आगे आने वाला है और दुनिया को बर्बाद करने वाला है, पर लेकिन दुनिया साथ में इकट्ठी हुई और यहां पर इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया और काफी हद तक इनके जो बेसिस थे उनको यहां पर बर्बाद किया गया वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा मिलकर। पर इसकी मतलब ये नहीं है कि आज के दिन में यहां पर सारी चीजें जो है वो शांत हो चुकी है और सब जो है पैटर्न में यहां पर सही आ चुके हैं, बहुत सारे इश्यूज आज की डेट में भी आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये बातें यहां पर की जा रही है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो मुद्दा यहां पर सीधा घुमा फिरा कर ये कि अगर कल को ऐसी कोई सिचुएशन देखने को मिलती है तो उसको कैसे टैकल किया जाए, अगर कल को कोई ऐसी कंडीशन निकल कर आती है तो एक तो टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया या साइबर सिक्योरिटी वाला इशू हो गया, ये सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसको आप लोगों को यहां पर मिलकर काम करना पड़ेगा ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो यहां पर काम भी किया गया, काफी हद तक इनको मिटाया भी गया, पर लेकिन एक होती है आइडियोलॉजी कि एक इंसान के मन में ये बातें भर दी, उसके मन में ठूस दी कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो जो यहाँ पर जो अजाम जो यहाँ पर कसाब था उसके माइंड में ठूस रखा था कि वो क्या करेगा, ऊपर जन्नत में जाएगा अगर जितने सारे लोगों को मारेगा, और उसके द्वारा वही घटिया हरकत की गई देश के अंदर, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई नहीं देखा उसने, बस ये था कि इंडियन को मारना है और जितने ज्यादा को मारेगा उतनी ही जन्नत तुझे मिलेगी, ठीक है। तो इतनी घटिया सोच के साथ में उनको तैयार किया था, और वो सोच अगर एक बार को माइंड में सेट हो गई ना वो फिर इंसान जो है उल्टी सीधी हरकतें करता रहेगा। इसलिए गांधी जी के द्वारा बोला जाता था कि अंग्रेज गलत नहीं है, यानी कि इंसान गलत नहीं होते हैं, ओनली उनका सोचने का तरीका अगर चेंज कर दिया जाए तो जरा सी देर में उनको चेंज किया जा सकता है। तो ये आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। तो इंसान वही है, एक खाना वही खा रहा है, शरीर में खून है, वही सांस हवा में ले रहा है, तो वो इंसान जिस माहौल में रह रहा है, इसलिए कहते हैं संगति हमेशा इंसान की। जरा सी देर में आप लोग बता सकते हैं कि इंसान के चार दोस्त को देख लो तो बता देंगे उस इंसान का कैरेक्टर कैसा है, ठीक है। आप लोग मुझे अपने चार दोस्तों से मिलाओ, मैं बता दूंगा आप लोग किस लेवल पर जाने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। तो आप लोग किस तरीके दोस्तों के साथ में रहते हो, किस तरीके संगति में रहते हो, वैसे आप लोगों की जिंदगी में आप लोगों को रंगति देखने को मिलेगी। तो यहां पर अगर कल को कोई ऐसे थॉट के साथ में पैदा हो जाता है वो फिर आगे चलकर स्लीपिंग सेल का काम करते हैं, यानी कि मान लीजिए आज को कल को चलकर उसको कोई सपोर्ट नहीं दे रहे तो सड़कों पर कहीं सोएगा, जहां भी उसको लगेगा उसको जो पढ़ाया गया था यार ये गलत हो रहा है वो वहीं पर उल्टी सीधी हरकतें करेगा। इसलिए बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट ऐसे हो रहे हैं जिनको ट्रेस भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि किसी के साथ में कनेक्ट नहीं है, बस एक आइडियोलॉजी उनके मन में ठूंस दी गई है, उसके बेस पर वो कहीं पर भी उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। तो जब तक ये आइडियोलॉजी नहीं मरेगी तब तक इस्लामिक स्टेट नहीं मरेगा, जब तक लोगों को एजुकेट करकर प्रॉपर वे में गाइड नहीं किया जाएगा तब तक ये कंडीशन चलने वाली है, ठीक है। हालांकि आर्टिकल में तो छोटी सी बातें बताई गई थी, मैंने थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा भी बता दिया, स्लीपिंग सेल वगैरह क्या कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीजें तो ये आप लोगों को इसलिए बताई ताकि अगर कोई कुछ पूछे भी कल को तो आप लोगों के माइंड में एक क्लैरिटी रहे और कोई कंफ्यूजन देखने को न मिले, ओके। आगे बढ़ते हैं यहां पर न्यूज एनालिसिस की ओर, और एक आर्टिकल है यहां पर जो कि मैंने आप लोगों से बात की, बेसिकली एक यहां पर जो आर्टिकल था आप लोग जाकर उसको मैंने कल ही डिस्कस किया, मतलब आज की ही नैनो में मैंने डिस्कस किया, ठीक है,
कि जो ये स्कार्फ वगैरह पहना जाता है, अगर आप लोगों को लगेगा कि हाँ आप लोगों की समझ में नहीं आया, कोई आप लोग कंफ्यूजन लगेगा, तो फिर से डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ पर आज का कोई वीडियो का लेंथ बनाने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। अगर आप लोग लगेगा कि दिक्कत हो रही है तो बता देना, एक बार मैं उनको और डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। टाइम से निकाल के कोई टेंशन नहीं है, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को लगेगा कि दिक्कत है तो आप लोग बता देना, क्योंकि एक आर्टिकल और बचा हुआ आप लोगों का रिलीजन के बारे में मैंने छोड़ा था, और एक आर्टिकल आप लोगों का यहाँ पर ये है जो मैंने एक्स्ट्रा आर्टिकल आप लोगों को पढ़ाने की बात की थी संडे में भी, ठीक है, कि एडिक्टेड टू वर्क। ये आर्टिकल आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। टेंशन मत लिया करो, आप लोग रेगुलर बस वीडियो देखते रहो, जो जो चीज जहां जहां पर कवर करनी है मैं अपना आप करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है सारी चीजें मेरे पास में नोट डाउन रहती है, ठीक है। फिर भी अगर कुछ लगता है कि ये छूट गया तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं मुझे, अगर आप लोग ऐसा कुछ लगता है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, बस आप लोगों को रेगुलर लेक्चर देखते रहिए, सारी चीजें कवर होती रहेंगी, ओके। स्टैटिक प्लस करंट साथ में आप लोगों को। सबसे पहले बात करें तो पंजाब में चीफ मिनिस्टर का जो फेस है वो डिसाइड कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा, तो ये बातें यहां पर बोली गई। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया गया, तो दो दिन का शोक यहां पर रखा जा रहा है। यहां पर बेसिकली अभी फिलहाल जो अगर बात करें लता मंगेशकर जी के लिए, तो ये काफी इंपोर्टेंट है। यहां पर जो जिंदगी में जो शानदार करियर इनका रहा वो रियलिटी में सैल्यूट करने वाला है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट न्यूज है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारी कंट्री में सेंट्रल, जैसे आजकल में जो मोन्यूमेंट होते हैं, जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको देखते हैं, जैसे आज के दिन बात करें लाल किला हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, तो इनके आसपास वाला जो एरिया रहता है, तो बोला जाता है कि 100 मीटर तक यहाँ पर रेडियस में कोई भी यहाँ पर एक तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बातें बोली जाती है, आप लोग बोलोगे ये बातें किसके बेस पर बोली जाती है, तो एंशियंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट और जो रिमेन्स है उसके बेस पर यहाँ पर ये बेसिकली ये बातें बोली जाती हैं, जो कि 1958 में आया, तो यहां से आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। नॉर्मली ये बात है कि 100 मीटर तक तो कुछ कंस्ट्रक्शन करना ही करना नहीं है, इसी के साथ में यहां पर 300 मीटर तक अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए प्रॉपर छानबीन करनी पड़ेगी, तब जाकर यहां पर आप लोग करोगे उसको रेगुलेट, उसको रेगुलेटेड एरिया बोला जाता है, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या किया गया, इसी को चेंज करने की बात की गई है। यहां पर मिलकर जो कि आज के दिन में ट्रांसपोर्ट टूरिज्म और जो कल्चर है मिनिस्ट्री, उनके द्वारा मिलकर यहां पर काम किया जा रहा है, कमेटी बनाई जा रही है यहां पर, ताकि चीजों को हैंडल किया जा सके। 2010 में भी बेसिकली यहां पर अमेंडमेंट करने की बात की गई थी, कि यहां पर अगर बात करें तो उस टाइम पर जो अमेंडमेंट किया गया तो उस टाइम पर दिक्कतें ये देखने को मिली थी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने ये बोला था कि मेरे से पूछकर कोई काम नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वहां पर वही है कि जहां पर इन चीजों को मेंटेन रखने का काम करते हैं, तो उस टाइम पर इशू देखने को यहां पर मिला था। तो कई सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। अभी ये बोला जा रहा है कि अगर इस तरीके से आप लोग यहां पर क्या करते हो, डेवलपमेंट के काम चाहते हो, तो यहां पर अब कमेटी बनाई जाएगी और गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट यहां पर कर सकती है, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक्ट है यहां पर एंशिएंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स, ये 1958, उसमें चेंज कर अब यहां पर डेवलपमेंट के काम बढ़ाए जाएंगे, जो कि कई बार बोला जाता है कि इससे हमारी कंट्री में जो मोन्यूमेंट है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिक्कत है, आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। बात करें यहां पर पोल पैनल वाले एरिया में बात की जा रही है, पोल पैनल के बारे में बात की जा रही है कि आसान कर दिए हैं अब यहां पर, और अच्छे लेवल पर अपने जो है बेसिकली उन्हें एक अपना जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसको कर सकते हैं। तो अगर कोई अटेंड कर रहे हैं यहां पर, तो वहां पर बोला गया अलग अलग एरिया में तो कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, बेसिकली मतलब मजे ले सकते हो आप लोग, एक तरीके से ऐसा बोला गया, ठीक है। बाकी यहां पर एक फ्रंट पेज पर हिंदू ने कवर किया आज की, हिंदू और मुस्लिम जो बेसिकली उनके बीच में लड़ाई नहीं लगनी है, तो यहां पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और यहां पर जो किसान पार्टी है वो आरएलडी, यहां पर एक तरीके से यहां पर जो राष्ट्रीय लोकदल है, अजीत सिंह जी की पार्टी थी यहां पर, रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रहे, रिसेंटली अभी उनके रहती, तो उसके चलते यहां पर उनका जो बेटा है जैन सिंह, ठीक है, तो वो यहां पर आगे आ रहा है, और नरेश टिकैत जो है वो यहां पर इसको सपोर्ट प्रोवाइड दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर ये केस है, बेसिकली वो सारी पॉलिटिक्स है, फ्रंट पेज पर हिंदू कवर कर रहा है, तो ऐसी पॉलिटिक्स को आप लोग इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करें यहां पर बात की जा रही है ब्रू पीपल के बारे में, जो ब्रू लोग हैं यहां पर ये, इनके बारे में बात की जा रही है। ब्रू लोग जो है उनको कैंप में देखने को मिल रहे हैं त्रिपुरा के अंदर में, त्रिपुरा के अंदर इनको कैंप में रखा जा रहा है। हालांकि ये जो लोग हैं ये मिजोरम में रहा करते थे, पर मिजोरम में सिचुएशन इतनी खराब हुई जिसकी वजह से इनको यहां से रिप्लेस होना पड़ गया। तो आज की डेट में यहां पर ये कहां पर रह रहे हैं, ये त्रिपुरा में रह रहे हैं, तो वहीं पर ही इनको बसाने की बात की जा रही है। तो उसी के चलते यहां पर ये छोटा सा आर्टिकल है, लोकेशन में बताना चाहिए कहां पर क्या क्या चीजें और कहां पर ये जा रहे हैं। तो यहां पर ये मिजोरम का जो आप लोगों को कोस्टल एरिया देखने को मिलेगा वहां से ये भागे थे, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है, और त्रिपुरा में जाकर बस गए जहां पर इनको एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। एडिटोरियल में मैंने इसके बारे में आप लोगों से कवर किया था, फिर से कोई और कंट्रोवर्शियल इशू बनेगा फिर से आएगा, फिर से डिस्कस कर लेंगे। देखिए ये ऐसे इश्यूज हैं जो मैं कईयों बार पीछे से डिस्कस कर चुका हूं, आगे भी आएगा फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सतकोसिया टाइगर जो रिजर्व के बारे में बेसिकली बात की जा रही है यहां पर, ये उड़ीसा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसे बात की जा रही है कि यहां पर एक तरीके से फ्रेश अटेम्प्ट किया जा रहा है कि सुटेबल हैबिटेट बनाया जा सके टाइगर के साथ में, तो ये बातें की जा रही है, ठीक है। तो ये उड़ीसा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। टाइगर सेंसस अभी 2022 में कंडक्ट कराना है, तो उसके चलते कई सारे एरिया में टाइगर की संख्या को बढ़ाने की बात की जा रही है, बार बार ऐसी न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी।
2006 में टाइगर सेंसस किया गया, 10 में किया गया, 14 में किया गया, 18 में किया गया, तो ये कंटिन्यूअसली यहां पर चलता आ रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा थे कर्नाटका, इसी के साथ में उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ये मैंने आप लोगों को बताया था। अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा यहां पर ये कि इसके अंदर टाइगर की संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो उड़ीसा के अंदर आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा, इसी के साथ में सतकोसिया जो यहां पर जोर सेंचुरी, और इसी के साथ में यहां पर ये बेसेपाली जो सेंचुरी है, ये आप लोगों को एरिया देखने को मिलेगा। लगभग यहां पर ये 963 स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया इसमें टाइगर जो रिजर्व नोटिफाई किया गया 2017 में। बाकी अगर उड़ीसा से आप लोग आते हैं तो भितरकनिका, सिमलीपाल, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कई सारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, चिल्का भी आप लोगों को यहीं पर नजर आता है, ठीक है, और गरिमाथा, ये सारी मैंने आप लोगों को चीजें बता रखी हैं कई बार, तो हल्का हल्का से इनके बारे में अगर आइडिया रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी एक पिक्चर थी पर्सनली अच्छी लगी मुझे, ये यहाँ पर विशाखापट्टनम का बीच एरिया दिखाया गया है। अपनी कंट्री में भी यार ऐसी ऐसी शानदार चीजें अगर इंजॉय किया जाए, बस यही है कि हम लोग इंजॉय नहीं करते, ठीक है। अभी बात करें तो आंध्र प्रदेश में बेसिकली यहाँ पर एक तिरुपति के फोटोग्राफर के द्वारा ड्रैगन फ्लाई की एक नई स्पीसीज यहाँ पर देखने को मिली, जो कि यहाँ पर आइडेंटिफाई की गई। बोला गया नॉर्मली यहाँ पर यूरेशिया और जो अफ्रीका वाले रीजन में पाई जाती थी, पर अभी यहाँ पर भी ये देखने को मिली, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर ये कुछ बातें बताई गई है, जो कि आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं इसके बारे में कि बात की जा रही है नई प्रजाति ड्रैगन फ्लाई की देखने को मिली आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे चलते हैं, जीएसटी के बारे में बात की जा रही है, तो जीएसटी के बारे में ये बात निकल कर आ रही है कि आज की डेट में जो एविएशन फ्यूल है उसको जीएसटी के अंदर में लेकर आ जाए। नॉर्मली अगर बात करें पेट्रोल हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, मोटर स्पिरिट नेचुरल या एविएशन फ्यूल, ये पांच ऐसी चीजें जो आप लोगों को दिख रही है जीएसटी के गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो इनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता है, तो इनके ऊपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो अगर इसके ऊपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है इंप्लीमेंट होता है तो आने वाले टाइम में काफी कुछ आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। तो ये इसी के चलते यहां पर इसके ऊपर एक मिलकर काम करने की कोशिश जा रही है कि एक जो मतभेद है उसको दूर किया जाए और यहां पर जीएसटी के अंदर लाया जाए, तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स यहां पर एक जैसा पूरे देश में लगेगा, ठीक है। आगे बात करें यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बात कर रहा है बेसिकली कि यहां पर किस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी एक साइड में है और जुडिशियल स्क्रूटनी एक साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो दोनों को अलग अलग देखना पड़ेगा। यहां पर कई बार क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो प्रेस है यानी कि मीडिया है, कहीं पर टेररिस्ट अटैक हो रखा है, हमारी आर्म फोर्स जो है वहां पर एक तरीके से उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है, तो मीडिया वहां पर क्या कर रही है, लाइव चला देती है उसको, ठीक है, उसकी वजह से दिक्कतें निकल कर आती है। तो नेशनल सिक्योरिटी को आप लोगों को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। कई सारे टीवी चैनल जो है वो ऐसा काम करते हैं यहां पर अपनी टीआरपी को लेने के लिए, पर लेकिन दिक्कतें कुछ और ही निकल कर आती है। तो कई सारे ऐसे इश्यूज अभी चल रहे हैं, किसको प्रेफरेंस देना है तो सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा कि यहां पर किस तरह चीजों को लेकर चलना है। जैसे पेगासस वाला इशू हो गया, और भी फंडामेंटल राइट के कई सारे इशू है, अब फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में कितनी फ्रीडम देनी चाहिए, एक ये इशू सामने निकल कर आएगा, तो इनको सबको बैलेंस बनाकर देखना पड़ेगा कि कहां कहां पर कितना सपोर्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराना है। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है, ठीक है। आई होप कि माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी आई होगी इसको लेकर। तो देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं। आज का जो सुडोकू है आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ये सुडोकू है आप लोगों के सामने, और यहां पर ये इसका सॉल्यूशन है, जो लास्ट वाला जो सुडोकू था इनको आप लोग जरूर अटेम्प्ट करना। रसिया जो है वो बोल रहा है कि 70% जो है बेसिकली रसिया की कमबैक रेडी है, ये यूएसए ने बताया, यानी कि आने वाले टाइम में हो सकता है जल्दी ही रसिया जो है वो यूक्रेन पर अटैक कर दे। तो ऐसे कई सारी आशंकाएं जताई जा रही हैं। अगर ऐसा होता है तो ये काफी खतरनाक माहौल क्रिएट करने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि पूरा वेस्ट वर्ल्ड जो है वो यहां पर इसी ताव में बैठा है। कल को अगर कुछ ऐसा होता है तो यहां पर एक नया, एक ऐसे कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की ओर को पैर रखते हुए चीजें नजर आएंगी, ठीक है। चाइना पाकिस्तान के बारे में बात की जा रही है, तो यूनिलेटरल कश्मीर जो यहां पर इशू को फिर से यहां पर बात उठाया जा रहा है। पाकिस्तान जहां भी जाता है वो कश्मीर के मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें उसको मजा आता है, ताकि उसको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, वरना लोग भूल जाते हैं। और कश्मीर का मुद्दा चाइना के साथ में तो उसके लिए बनता भी है यहां पर, क्योंकि वहां पर तो एक तरीके से दोनों लंगोटे तैयार हो गए, तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ कोरिया जो है वो कंटिन्यू यहां पर न्यूक्लियर अटैक अपने प्रोग्राम चला रहा है, वो कह रहा है कि आपको रुकेगा नहीं, ठीक है, तो वो लगा रहेगा, तुमको जो करना है करते रहो। तो ये सारी चीजें चलती रहती है, कोई एडिटोरियल आएगा डिटेल में तो फिर समझ लेंगे। ये ऐसी चीजें होती है, इनको डे बाय डे आप लोग इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके से नहीं कि आप लोग रेगुलर इनको बैठो कि क्या कर दिया। कनाडा में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो ये आर्टिकल यहां पर अभी कनाडा के अंदर जो क्या था कि जो भी यहां पर अगर कल को जो वैक्सीन लगा चुका है वही यहां पर बेसिकली ऐसा था, एक कनाडा में ना मैक्सिमम बर्फ जमी रहती है, तो पानी के थ्रू तो कुछ आता नहीं है, सब कुछ ट्रक के थ्रू जाता है। तो लोगों को बोला गया ट्रक ड्राइवर को वैक्सीन लगाना जरूरी है अगर आप लोग काम करना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं यहां पर कनाडा के अंदर में, सेकेंड डोज अगर आप लोगों ने प्रॉपर लगा रखा है, तो उसके चलते उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, पूरे देश के अंदर दिक्कतें देखने को मिली। तो ये बोला गया हमारा अधिकार है कि हम लोग डोज लगाएं या ना लगाएं, आप लोग हमको फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे वहां पर काफी सारे लोग डोज लगवा चुके हैं, पर फिर भी अधिकार को लेकर बोले कि तुम नौकर हो जनता के, पॉलिटिशियन, तुम हमारे ऊपर इस तरीके से रूल नहीं कर सकते, तो इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है। हमारे देश में कोई ऐसा बोल के दिखाए, आप लोग देखते हैं यहां पर, फिर भी आज की डेट में कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहां पर एक पत्रकार तक भी वहां पर इतनी पावर रखता है कि हिला देता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। जो रोहित के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए जो मैंने आप लोगों से पूछे थे कल, इनके तो मैं तीनों को आप लोगों को बताऊंगी। बाकी यहां पर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में यहां पर बात की गई थी, तो 1962 में आप लोगों को देखने को मिला था,
और स्टेचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में, और यहाँ पर हम लोगों ने स्टेचू ऑफ यूनिटी के बारे में बात की, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, जिसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक है, यहाँ पर इसके बारे में आइडिया रखेगा। सब्सिडरी अलायंस के बारे में क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, तो सब्सिडरी अलायंस के बारे में जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर बी, ठीक है। तो यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली है, इनके बारे में याद रखिएगा आप लोग, जिनके द्वारा सब्सिडरी अलायंस यहाँ पर लेकर आया गया था। और पहले जो यहाँ पर इसके इसके साजिश थी, साल जो इसके साज शादी में हमें क्या देखते रहिए, सालबाजी क्या क्या बोलेंगे, साज मतलब साजिश में फंसा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये था 1798 में, तो हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद, तो बोला ये क्या था कि तुमको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे, बस तुम हमें मान लो। तो इन्हें बोला ठीक है भाई साहब, तो उसके चक्कर में फंस गए, तो दिक्कतें देखने को मिली, ओके। इसी के साथ में नेक्स्ट यहाँ पर ये कच्चा दीव आइलैंड, ये डेली आप लोगों को रेगुलर देखने को मिलता रहता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये मैप है, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। तो ये बेसिकली एक ऐसा आइलैंड है जो इंडिया के द्वारा श्रीलंका को दे दिया गया था, और आज तक भी यहाँ पर हमारी कंट्री के मछुआरे जो है यहाँ पर मछली पकड़ने कई बार जाते हैं, तो श्रीलंका की फोर्स उनको पकड़ लेती है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के बारे में बातें की थी, तो इसका आंसर यहाँ पर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 57 के करीब मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और मुस्लिम वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने का ये काम करते हैं, और यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ओके। वोकैबुलरी यहाँ पर देखते हैं, पहला बोला गया डेमोंस्ट्रेट के बारे में, डेमोंस्ट्रेट मतलब साबित करने, एक तरीके से जो भी यहाँ पर ट्रूथ दिखाना, प्रूफ देना, एविडेंस देना, चीजों को साबित करना, ठीक है। ग्रिम का मतलब मतलब होता है यहाँ पर संकट एक तरीके से। देखिए लेक्चर आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मंथली वीडियो में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, उसको कंप्लीट करना था पूरा, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि पूरा उस पर काम किया मैंने कि हाँ सुबह तक उसको लेकर आ जाए, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो चुकी थी, ठीक है। इसी के साथ में आउटरेजेस के बारे में बात करें, तो एक्रोस होता है किसी चीज को लेकर, आप लोगों ने नॉर्मल देखा हो कई बार स्ट्रॉन्ग रिएक्शन लोगों की आती है, ठीक है। इंतरिम का मतलब अंतरिम, इंतरिम गवर्नमेंट, आप लोगों ने अंतरिम गवर्नमेंट के बारे में सुना होगा कि हाँ एक तरीके से टेम्परेरी टाइम के लिए, ठीक है। इसी के साथ में बात करिए ड्रॉडाउन, नुकसान, ठीक है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन करना, फंड डिक्लाइन करना, तो उसको यहाँ पर बेसिकली ड्रॉडाउन बोल देते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में याद रख सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन, दो क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, उनका आंसर जोड़ देना, और जो आर्टिकल एक थोड़ा छोड़ दिया है, देखिए उसकी वजह से लेक्चर काफी लंबा हो जाता है, और मैंने शाम ही डिस्कस किया था आप लोगों से आर्टिकल, ठीक है, जो हिजब वाला उसको देख लेना, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो फिर से डिस्कस कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पीपीटी मैंने बनाई रखी है, तो बता देना उसको, फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।